हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स से एक्सरसाइज 1.6 के लिए इंट्रोडक्शन। तो पहले आप इस अच्छे से इसको समझ लेना, उसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है वो देखना। तो रियल नंबर तो हम पहले पढ़ चुके हैं। रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को इंक्लूड करके हम जो नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, उनकी जो पावर होती है, जो इनकी हम जैसे यहाँ पे लिखा ए पावर एन, तो ये एन आपका क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट। और ये ए यहाँ जो बेस है इसको हम कहते हैं बेस, और ये एन है वो होता है एक्सपोनेंट। तो यही हमें यहाँ पे इनके इनसे रिलेटेड क्या क्या रूल है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे से हम वही रियल नंबर लेंगे जो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ये जो रूल है हम सब उन्हीं नंबर के लिए पढ़ रहे हैं जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो लेट ए यानी कि बेस जो हम ले रहे हो ग्रेटर देन जीरो यानी कि नेचुरल नंबर ले रहे हैं, बी अ रियल नंबर, एंड पी एंड क्यू जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हमारे क्या है, रैशनल नंबर, जो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट रूल देखो, फर्स्ट रूल हमारा ये है कि किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो है, किसी भी नंबर की डिग्री अगर यहाँ पे ज़ीरो है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों नहीं हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा यहाँ क्या होगी, वन। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, एनी नॉन ज़ीरो, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी ज़ीरो नहीं हो सकती है, ज़ीरो की पावर नहीं हो गई, बाकी कोई भी आप वैल्यू ले लो, एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू की पावर, इसका मतलब क्या हुआ, एनी यहाँ पे ए कौन है, एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, रियल नंबर की पावर आपकी यहाँ पे ज़ीरो हो गई तो उसका आंसर आएगा वन। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे टू की पावर ज़ीरो तो भी वन, हंड्रेड की पावर ज़ीरो तो भी आपका आंसर क्या आएगा, वन। चाहे 15 की पावर ज़ीरो, किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो है तो उसका आंसर इक्वल में आपको क्या रखना है, वन। नाउ सेकेंड रूल इज़, अब यहाँ पे ये सिर्फ आपका मल्टीपल में या डिवीजन में ही ये रूल लगेगा, और बेस सेम। यहाँ पे देखो, अगर हमें दो नंबर लेते हैं, ए पावर पी इंटू ए पावर क्यू, यहाँ मल्टीपल का रिलेशन है तो मल्टीपल और डिवाइड में ही ये रूल लगेगा, प्लस और माइनस में ये रूल नहीं लगेगा। तो फर्स्ट ये रूल ये कि बेस सेम होना चाहिए, अगर ए की पावर पी है तो ए की पावर ही कुछ और हो तो हमारे यहाँ पे क्या रूल लगेगा, अगर बीच में मल्टीपल का साइन है तो दोनों पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जो हमारे एक्सपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, लाइक फर्स्ट एग्जांपल में आपको बता, जैसे टू पावर थ्री है और फाइव, सॉरी टू पावर फाइव है, टू पावर फाइव है, मल्टीपल का साइन है बीच में, तो दो को ये जो आपका बेस है उसको एक बार लिख देना है और दोनों पावर आपकी ऐड हो जाएगी, थ्री प्लस फाइव, तो यानी कि टू की पावर कितनी हो गई, फाइव प्लस थ्री एट हो गई। एक और एग्जांपल में बता देती हूँ, जैसे एक मैंने थ्री पावर लिया, थ्री पावर मैंने नेगेटिव लिया, ये भी हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन सारे नंबर्स होते हैं, तो ये थ्री पावर माइनस टू मल्टीपल थ्री पावर मैंने फाइव ले लिया, तो यहाँ भी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो थ्री की पावर माइनस टू प्लस क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, बेस से एक बार लिख लेना है और पावर को ऐड कर देना है, पीछे प्लस का साइन। तो आप यहाँ पे देखो, थ्री एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस होगा, तो फाइव में से टू गया तो थ्री बचा, और साइन हमारा प्लस आएगा क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है, यहाँ फाइव बड़ा है, फाइव का साइन प्लस है तो प्लस आएगा। अगर यहाँ पे इसका जो नंबर बड़ा है आपको उसका साइन लगा देना है, बस इतना सही याद रखना है। तो मल्टीपल जो अब दोनों बेस सेम हो, यानी कि दोनों यहाँ पे नंबर जो बेस पे है जिस पे आपने पावर लगा रखी वो सेम है और बीच में मल्टीपल का साइन है, तो दोनों पावर क्या हो जाती है, ऐड। अब आप थर्ड रूल यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मल्टीपल का साइन ना होके अगर इनमें डिवाइड का साइन है, ए पावर पी डिवाइड बाय ए पावर क्यू, तो अब आपका क्या होगा, पावर अब आपकी जहाँ प्लस आ रहा था वहाँ माइनस आ जाएगा। अब अगर आप क्यू को ट्रांसफ़र करोगे तो पी माइनस क्यू हो जाएगा, पी को नीचे ट्रांसफ़र करोगे तो क्यू माइनस पी हो जाएगा, दोनों आंसर इसके राइट है। इसका आंसर आप ये भी राइट कर सकते हो, ए तो क्यू यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है तो पी माइनस क्यू हो जाएगा, ये आंसर भी इसका राइट है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है, पी को हम नीचे लेके जा रहे हैं तो ए आपका जो बेस है वो यहीं का यहीं रहेगा, क्यू को ऊपर लेके जा रहे हो तो ऊपर वाली ए पे पावर लग जाएगी, अब हम पी को नीचे ले जा रहे हैं तो इसके ऊपर पावर लगेगी, तो ए पावर क्यू माइनस पी, दोनों आंसर आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली तो हम वैसे भी ऊपर ही लेके जाएंगे तभी हमारा ये सॉल्यूशन आएगा। तो इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता दूँ, टू पावर थ्री
और 2 पावर 2, दोनों के बेस सेम है, ये आपको जरूर चेक करना है कि बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो ये 2 हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो 3 माइनस 2 हो गया। तो 3 माइनस 2 में पता है 1 होता है, तो 2 पावर 1 यानी कि 2 हो गया। लेकिन नेगेटिव में भी आपको बता देती हूँ, हाँ जैसे मैंने एक और लिया 2 पावर -5 ले लिया और यहाँ पे मैंने 2 पावर 6 ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये भी मैं इसको 6 को ऊपर लेके जा रही हूँ, तो 2 पावर -5 तो एज इट इज़ रहा, ये 6 ऊपर जाके नेगेटिव होगा क्योंकि डिवाइड में है, तो ऊपर जाके नेगेटिव साइन के साथ आएगा, मल्टीपल में तो पॉजिटिव साइन लेगा। तो माइनस माइनस मुझे पता है प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, या माइनस माइनस प्लस होगा। तो 6 + 5 आपका 11 हो गया। और अब भी जो नंबर बड़ा है, या तो ये याद रख लो जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगाना है, या दोनों नेगेटिव होते तब भी साइन क्या आता है आपका, नेगेटिव आएगा। तो 2 पावर -11 हो गया। नाउ नेक्स्ट फोर्थ रूल आपका यहाँ पे ये है कि बेस सेम हो, ये वाला बेस हमारा सेम है, एक पावर हमारी ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर हमारी ब्रैकेट के बाहर है। तो इस कंडीशन में जब बीच में मल्टीपल का साइन है, पावर आपकी ऐड होगी, डिवाइड का साइन है तो पावर आपकी सब्ट्रैक्ट होगी, लेकिन यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो अब आपकी पावर क्या होगी, मल्टीपल होगी, P × Q। तो प्लस कब करनी है, माइनस कब करनी है, मल्टीपल कब करनी है, ये रूल आप यहाँ पे याद रख लो। तो यहाँ पे इसका भी मैं एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे 2 पावर 2 और एक पावर और है हमारी बाहर 3, तो ये आपका क्या हो गया, 2 पावर 2 × 3 यानी कि 2 पावर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल और बता देती हूँ, जैसे 2 पावर 2 यहाँ हो गया -3, तो ये हो गया 2 पावर 2 × -3, तो ये आपका क्या हो गया, 2 पावर नंबर मल्टीपल कर ले, 3 × 2 आपका 6 हो गया, और ये 2 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप फिफ्थ रूल आप यहाँ पे देखो, अगर अब बेस अलग अलग हो जाए और पावर सेम हो जाए, यहाँ पे तो बेस सेम और पावर डिफरेंट है, अब आपकी पावर सेम और बेस डिफरेंट हो जाए, लाइक कि ए पावर पी डॉट बी पावर पी, तो अब आपकी पावर सेम है तो ये दोनों मल्टीपल में हो जाएंगे और ये कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ए मल्टीपल बी, ये डॉट का मतलब मल्टीपल बी, और इसकी पावर कितनी हो गई, पी हो गई, यानी हमने क्या किया, पी को कॉमन ले लिया, दोनों की पावर सेम थी, पी को बाहर लिख दिया, इन दोनों को मल्टीपल के साइन में लिख दिया। तो ये 5 रूल पढ़े, इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 2 पावर 3 × 3 पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे पावर तो सेम है और बेस अलग अलग है, तो इस 3 को हम बाहर ले लेंगे, 2 × 3 और 3 को हमने एक बार बाहर लिख दिया, ठीक है। ये पावर वाला 3 दो बार था ना, एक बार लिख दिया, अब इसको मल्टीपल करो, 3 × 2 6 पावर 3 हो गया, ठीक है। नाउ 6th रूल आप यहाँ पे देखो, ये सारे रूल आप याद कर लोगे तो एक इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। फिर नेक्स्ट आपका ये सेम, अगर डिवाइड में हो, ये जैसे ए पावर पी और डिवाइड बाय बी पावर पी, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी यही है, ये जो आपका डिवाइड में है वो डिवाइड में रहेंगे और पावर आपकी एक बार कॉमन आ गई, ये देखो बाहर आ गई इस तरह से। तो ये जैसे इसका भी एग्जांपल ये लिख देते हैं, 2 पावर 3 / 3 पावर 3, तो ये इक्वल हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 2 पावर 3 पावर कॉमन हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। दोनों के साथ अलग अलग ने लिख के बाहर अलग से लिख दिया। नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, 7th आपके यहाँ पे है, अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है, जैसे ए पावर माइनस एन है, तो ये इसको एक वैल्यू क्या हो जाती है, 1/a^n, जो न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, देखो ए पावर यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, हुआ कैसे, ए पावर माइनस एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए पावर 0 - n लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में से तो किसी भी नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करो वही नंबर रहता है। तो अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन आपका किस में आता है, डिवाइड में आता है, तो मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ, पहले तो ए पावर 0 मल्टीपल में ए पावर माइनस एन हो गया, ठीक है। तो माइनस एन अभी आपको बताया था, अच्छा ये आपका गलत हो गया, यहाँ से देखो ये नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन हमारा कब आता है, डिवाइड में आता है, तो ये ए पावर 0 - n लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पावर पी ऊपर हो गया, ए पावर क्यू हो गया, तो यहाँ भी सेम, यहाँ पे ए पावर 0 / a^n, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है जब हम जब हमारा बेस सेम होता है। तो ए पावर 0 हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी, ए पावर 0 हमारा 1 होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1/a^n। तो अब सिर्फ ये याद रख लो, न्यूमरेटर में अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में लेकर आ जाओ, अगर यहाँ पे 1/a^-n डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो जाएगा, बस ये उल्टा रिवर्स रूल याद रख लो। फिर आपको एक और चीज़ इसमें देखनी है,
nth root of any number. तो जैसे आप यहाँ पे देखो, first आपको ये तो पता ही है कि अंडर रूट ए हमारा क्या होता है, ए की पावर 1/2. ओनली रूट लगा हुआ है उसका मतलब होता है पावर 1/2. बट अगर मैं इस रूट के साथ में एक नंबर और लगा दूँ, जैसे मैंने यहाँ 3 लगा दिया, ठीक है, अभी तक तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, नंबर नहीं था तो 1/2 आ जाएगा. अगर यहाँ पे कोई नंबर आ गया है तो वो भी रूट की क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी. 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 10 है तो 10 आएगा. जैसे ये हो गया अंडर रूट ऑफ, ये मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए पावर 1/10. तो इसको वेरिएबल की फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ एन आएगा, यहाँ ए आएगा, तो ए पावर 1/n. तो जो भी नंबर यहाँ होगा वो पावर में आ जाएगा, ये एक्सपोनेंट बन जाएगा, लेकिन 1/ में बनेगा, सिर्फ वो नंबर नहीं बनेगा. जैसे यहाँ पे सिर्फ रूट है तो 1/2, रूट के साथ 3 है तो 1/3, रूट के साथ 10 है तो 1/10, रूट के साथ एन है तो 1/n. तो ये आपको रूल अगर याद है तो आप एक्सरसाइज 1.6 को ईजिली सॉल्व कर पाओगे. अभी भी इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू.